हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हमने इस साइकिल में लगा दिया है एक डायनमो, और ये लाइट जो है वो बिना बैटरी के जल रही है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमने एक और सिस्टम किया है, इसके अंदर हमने लगा दिया ब्रेक लाइट्स। तो जैसे ही हम ब्रेक दबाएंगे तो लाइट जलेगी, और हमने इसके अंदर डायनमो लगा दिया है और उसकी मदद से बैटरी चार्ज हो जाती है, तो बैटरी को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए गाइस, देखते हैं इसे अपनी साइकिल में किस तरीके से फिट करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के रिफ्लेक्टर आपको मार्केट में से खरीद लेने हैं, साइकिल की शॉप पे से। तो जौन सा भी आपको पसंद हो आप वो खरीद सकते हो। तो हमने इस टाइप के दो खरीदे हैं, जौन सा भी हमारी साइकिल में फिट हो जाएगा हम उसे लगा देंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे होल हैं और इसमें ये पैंच लग जाते हैं, तो जहाँ पे आपकी साइकिल में एडजस्ट हो जाए वहीं पे ही आप इन पैच को टाइट कर देंगे। तो गाइज ये है कुछ LEDs जो हम इस रिफ्लेक्टर के अंदर फिट कर सकते हैं। तो ये दूसरी टाइप की LEDs हैं और ये तीसरी टाइप की। तो इसमें से जौन सी भी आपके रिफ्लेक्टर के अंदर फिट हो जाए आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो गाइज ये वाली LED काफ़ी ज़्यादा पतली है और हमारी इसके अंदर ये आराम से फिट हो जाएगी, और ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी है। और ये वाली रेड कलर की LEDs है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आप इन्हें भी लगा सकते हो, पर ये थोड़ी सी मोटी है। और ये वाली भी वाइट कलर की LED काफ़ी ज़्यादा छोटी है, इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे। तो खोलने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको हल्का सा लगाना है और स्क्रू ड्राइवर को हल्का सा रोटेट करना है, और इस तरीके से आपको ऐसे ही करके सारा खोल देना है, और ये आराम से ओपन हो जाएगा बिना किसी नुकसान के। तो देखिएगा गाइस, ये खुल चुका है। और फ्रेंड्स देखिए, ये वाली LEDs इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जा रही हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली हैं। और अभी हम इसके तीन LEDs निकाल लेंगे और इसके अंदर फिट करेंगे इनके वायर्स जोड़ के। तो गाइज इस तरीके से हम ये तीनों LEDs यहाँ पे लगा देंगे। तो इन्हें तीनों को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा वायर। तो इन दोनों LEDs के बीच का हमें वायर कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ की LEDs के लिए दो दो वायर कट कर लिए हैं। और अभी हमने इन LEDs के पॉजिटिव तीनों के और नेगेटिव तीनों के एक साथ जोड़ दिए हैं, और उनके साथ एक मेन वायर कनेक्ट कर दिया है, जिसे हम इसमें एक होल करके बाहर निकालेंगे उस वायर को। तो शोल्डिंग आयरन से हम इसके अंदर होल कर लेंगे, या फिर आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। तो गाइज हमारा होल हो चुका है, और इसके अंदर हम वायर डाल देंगे और पीछे से निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी दबाना है आपको, ताकि हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, वायर हमने फिक्स कर दिए हैं, और अभी हम इन LEDs को फेविक्विक से चिपका देंगे एल्फी से। और LEDs को चिपकाने के बाद हम इसके ऊपर का जो रेड कवर है इसे भी इसके ऊपर चिपका देंगे। तो इसके साइड साइड में हम फेविक्विक लगा देंगे अच्छे तरीके से। और लगाने के बाद हम इसे इसके ऊपर थोड़ी देर होल्ड कर लेंगे इस तरीके से, ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो ये चिपक चुका है, और देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो इस तरीके से हमारी जो बैक लाइट है वो रेडी हो गई है।
साइकिल में लगाने के लिए। और ये हमारी साइकिल, इस पे हम ये लाइट फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो, इसके पीछे कोई भी होल नहीं है जिसे हम इसे फिट कर सके। तो हमने एक एल्युमिनियम की शीट में से इस तरह की एक स्ट्रिप कट कर ली है और फिर उसमें कील से यहाँ पे एक होल कर देंगे। और ये होल पैंच के साइज़ का बनाने के लिए हम इसके अंदर सीज़र से इस तरीके से रोटेट कर देंगे, तो इसका जो होल है वो बड़ा हो जाएगा। और दो होल करके इसके अंदर हम दोनों पैंच लगा देंगे और फिर इसे लाइट के साथ फिट कर देंगे। जहाँ पे लाइट के होल है आपको उसे देख के ये होल करने हैं, नहीं तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। तो अभी हम इसे स्क्रू ड्राइवर से अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। गाइज, हम इस रिफ्लेक्टर को मडगार्ड में भी लगा सकते थे, पर अभी हम इसे यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा है। और इसे और अच्छे तरीके से टाइट करने के लिए हम इस की का यूज़ करेंगे। और ये अच्छे तरीके से फिक्स हो गई है। और इसका वायर हमने नीचे की तरफ से चिपकाते हुए यहाँ पे लिया है सीट के नीचे तक। और अभी हमने दो मोटर लिए हैं, डीवीडी प्लेयर के और एक सीडी प्लेयर का मोटर है। तो आपके पास जो मोटर हो आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों अलग अलग शेप एंड साइज के हैं, तो हम ये वाला मोटर यूज़ करेंगे। और इसके ऊपर ये पहले से ही लगा हुआ आता है जब आप इसे सीडी प्लेयर के लेंस में से निकालोगे। और या फिर आप दूसरा व्हील भी यूज़ कर सकते हो किसी कार वार का, या फिर कुछ और जो इसमें फिट हो जाए। और आपको ज़्यादा बड़ी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी से इसका रोटेशन जो है वो कम हो जाएगा। फिर गाइस, हमें इस मोटर को फिट करने के लिए एक स्ट्रिप बनानी है इस तरीके की। और आप किसी भी सेट टॉप बॉक्स या फिर जो सीडी प्लेयर है उसके कवर में से कट कर सकते हो, या फिर कोई टिन का डिब्बा हो उसमें से भी आप इसे कट कर सकते हो। बस थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए ताकि मोटर जो है वो फिक्स हो जाए अच्छे से और वो हिले ना। तो इसमें आपको उसी आइडिया से जैसे मैंने अभी होल किया है उसी तरीके से कील से होल कर लेने हैं। पहले आपको साइज़ ले लेना है मोटर का और फिर उसमें होल करनी है। फिर इस टाइप के आपको दो बोल्ट ले लेने हैं और इसके अंदर डाल के आपको टाइट कर देना है। तो इस तरीके से मोटर टाइट हो जाएगा। और फिर दूसरा बोल्ट आपको इस तरीके से साइकिल में लगा देना है और फिर इसके ऊपर का ये व्हील, और फिर एडजस्ट करके आपको ये टाइट कर देना है और ये व्हील के साथ रोटेट होना चाहिए। फिर मोटर में हमने दो वायर कनेक्ट कर दिए हैं और ये है हमारी बैटरी। तो गाइज, मोटर और बैटरी के वायर एक साथ जोड़ने हैं ताकि मोटर जो है वो बैटरी को चार्ज कर दे। तो गाइज देखिए, मोटर जो है वो इस तरीके से चल रहा है, मतलब व्हील आगे की तरफ रोटेट होना चाहिए। इस तरीके से आपको वायर जोड़ने हैं, तो एक वायर आपको अटैच कर देना है और एक वायर में आपको ये डायोड लगाना है। तो गाइज देखिए, हमने एक वायर जोड़ दिया है पहले ही और बीच में डायोड लगाना है। तो देखिए, अभी मोटर चल रहा है, तो इस तरीके से आपको नहीं लगाना है, आपको फिर ये डायोड उल्टा कर देना है। और देखिए, अभी मोटर नहीं चल रहा है, अब ये आपको डायोड लगाना है, क्योंकि अगर मोटर चलेगा तो आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी। और इस तरीके से आप डायोड लगा देंगे तो जो बैटरी की पावर है मोटर में नहीं जाएगी, लेकिन जो मोटर की पावर है वो बैटरी में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये डायोड जोड़ना है। तो उससे जोड़ने से पहले हमें ब्रेक को खोल लेना है और उसके ऊपर ये टेप लगा लेनी है, और फिर जो टेप है वो रबड़ के ऊपर से कट कर देनी है। तो जो टेप है वो रबड़ के ऊपर से हमने कट कर लिया है और अभी से पहले की तरह फिक्स कर देंगे। पर उससे पहले हमें इसके ऊपर ये छोटी सी मेटल की शीट लगानी है, एल्युमिनियम की शीट या टिन विन, आप जो भी यूज़ करें आराम से कर सकते हो, बस मेटल का होना चाहिए। या वायर भी आप इसके ऊपर लपेट सकते हो सिंपली। तो अभी ये वायर हमें इसके साथ जोड़ देना है।
तो इस तरीके से हमें एक लंबा सा वायर इसके साथ जोड़ देना है और फिर इसे प्लास से अच्छी तरीके से दबा देना है ताकि ये इसके साथ अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ये फिक्स हो गया है और अब हम इसे पहले की तरह साइकिल में लगा देंगे। और पेंच को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। और फिर इस वायर को भी जहाँ पे हमारे सारे वायर्स हैं वहाँ तक ले जाना है। तो इसे वहाँ तक हम चिपका देंगे टेप से। तो गाइज इस टाइप की और बहुत सारी वीडियो है हमारे चैनल पे, तो एक बार आप उन सारी वीडियोस को चेक करो। और अलग अलग साइकिल के ब्रेक्स के लिए हमने ये ब्रेक लाइट्स बनाई है और बहुत सारी हेडलाइट्स वेडलाइट्स बहुत सारा सिस्टम किया है हमने साइकिल में। तो उन सारी वीडियोस को जरूर देखना एक बार। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो गाइज अभी जो पीछे की लाइट है उसके वायर हमें बैटरी के साथ जोड़ने हैं। एक बार चेक कर लो बैटरी के वायर से जोड़ के कि लाइट जल रही है या नहीं। फिर उसमें से एक वायर आपको बैटरी के साथ अटैच करके छोड़ देना है और डायोड को बैटरी के दूसरे वाले वायर के साथ जोड़ देना है। तो देखिए इस तरीके से जो डायोड के दोनों वायर हैं हमने बैटरी के बीच में जोड़ दिए हैं और फिर हम डायोड के ऊपर टेप लगा देंगे अच्छे से। सिस्टम करना है तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बैटरी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने अपना सेटअप जो है वो कंप्लीट कर लिया है और इस तरीके से हमारी लाइट जो है वो जल रही है ब्रेक मारने पे और बैटरी भी हमारी अपने आप चार्ज हो जाएगी मोटर की मदद से। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक मारो यार इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। साथ में बेल आइकन भी दबाना है आपको ताकि आपको हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और इस टाइप की और बहुत सारी वीडियो है हमारे चैनल पे, तो एक बार उन्हें ज़रूर चेक कीजिए। पावर ब्रेक और डिस्क ब्रेक के लिए भी हमने ये लाइट बनाई है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। सी यू अगेन एंड गुड बाय। You and I, we got history, yeah.